मंच साझा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप दीपक जी? राजीव जी, हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं, जिस तारीख पर खड़े हैं, इसमें दो पुरानी घटनाएं, दो पुराने राजनीतिक घटनाक्रम हमको याद करने चाहिए। पिछले साल मई महीने के शुरुआत में, दूसरे सप्ताह में, उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था और वहां से कांग्रेस जो है एक तरह से उसने अपने आप को फिर से संगठित करके एक नए संकल्प के साथ और प्रतिबद्धता के साथ उसने खड़ा होना शुरू किया था। दूसरी घटना 7 सितंबर 2022 की है, जब राहुल गांधी ने एक बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। इन दोनों ही घटनाओं का महत्व केवल इतना नहीं है कि कांग्रेस मजबूत हुई है, बल्कि कांग्रेस ने दो तरह की चीजें पेश कर दी है। नंबर एक कि आपको भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को हटाना है, ये संकल्प लेना होगा, और जो लोग भी हैं, चाहे वो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस के भी विरोधी दल क्यों ना हो, उनको भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि हमको इस समय अपने अस्तित्व को भी बचाने के लिए और व्यापक लोकतंत्र के एक व्यापक हित में बहुत आवश्यक हो गया है कि इस कुनबे को संयुक्त विपक्ष जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी को आपको स्थापनापन्न करना है, हटाना है, तो आपको मिलकर लड़ना होगा। आप याद कीजिए, मुश्किल से एक सवा साल पहले तक इस तरह की बैठक की आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि भारत का राजनीतिक घटनाक्रम इतने तेजी से बढ़ेगा, और आज एक बहुत ही मजबूत किस्म का प्लेटफॉर्म पर जो है पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है। आपको रोकना चाहूंगा अभी जो स्क्रीन पे, दीपक जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, और देखिए कि स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, ये अभी की तस्वीर है, डिनर की तस्वीर है, जो अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, डिनर की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बहुत कुछ यहाँ बेंगलुरु से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डिनर पार्टी चल रही है, यानी कि रात्रि भोज सोनिया गांधी ने जो दी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि सोनिया गांधी इस रात्रि भोज के लिए खुद उन्होंने आमंत्रित किया तमाम दलों को, उनकी चिट्ठी से सब लोग आए हैं। एक आमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी गया और एक आमंत्रण सोनिया गांधी की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए, मौजूद रहने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि सोनिया गांधी ने इन्वाइट किया कि आप हमारे डिनर में आइए, हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं। दीपक जी, जरा आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, जो तस्वीरें आती रहेंगी हम बीच बीच में पहुंचाते रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है अंदर इसी होटल में। ये ताज होटल आप देख रहे हैं, और ताज वेस्ट एंड होटल, और इसी होटल में जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ दो साथी मौजूद हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। साथ में स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, ओवर टू यू। जी, तो मैं जो बात कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और एक विजुअल जो है वो मुझे लगातार आकर्षित कर रहा है, और आपके भी ध्यान में आया होगा कि इस जहां पर ये सारे नेता बैठे हैं, मुख्य रूप से सोनिया गांधी, उनके किनारे जो है ममता बनर्जी बैठी हैं, फिर स्टेलिन बैठे हैं, पीछे एक बहुत बहुत ही बड़ा बोर्ड है जिसमें लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एकत्र होकर खड़े हो सकते हैं। और पूरे बेंगलुरु शहर में जहां जहां पर एयरपोर्ट से लेकर उस स्थल तक ये जो है यूनाइटेड वी स्टैंड जो है ये चारों तरफ दिखाया जा रहा है। इसका मैसेज आज देखिए राजीव जी पूरे देश में जाएगा, और जो अभी तक सोचते थे कि मोदी को हराना मुश्किल है या मोदी के खिलाफ विपक्ष जो है वो कहीं नहीं है, उनके पास भी ये मैसेज जा रहा है। तो इस तरीके का जनता का जो दबाव है, याद कीजिए 1977 में यह नारा जो है बड़ा जबरदस्त बुलंद हुआ था, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे और अलग अलग हुए तो गिरेंगे। ये अलग बात है कि 1977 के बाद जो सरकार बनी थी केवल 80-25 साल के अंदर अंदर नारा फिर पलट गया, और उस समय के प्रसिद्ध पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने उल्टा कहा कि यूनाइटेड वी फॉल एंड डिवाइडेड वी स्टैंड, एक बड़े व्यंग्य के रूप में उन्होंने लिया था। दूसरी बात, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे, कुछ दिन पहले भी करते थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है आपको बनाना पड़ेगा जनता के बीच जाने के लिए, क्योंकि लगभग एक साल है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पहले कई तरह के आंदोलन छेड़े थे, वैसे ही आपको लगातार जाना पड़ेगा। याद कीजिए ये सारे जो मुद्दे हैं, शिक्षा की गिरती हालत, स्वास्थ्य, उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना, कुप्रबंधन, ये सब जो है राहुल गांधी एकाकी रूप में इसको उठा रहे थे, लेकिन आज वही जो एकाकी स्वर है वो कोरस बन गया है राजीव जी, कोरस बन गया है, बाकी लोग भी जो है उसमें शामिल हो गए हैं, और वे सब चाहते हैं कि इस तरीके का आंदोलन लगभग एक साल अगर चलाया जाए तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ जो है एक वातावरण बनेगा। तीसरा, अब जो केवल दो अपेक्षाएं हैं कल की मीटिंग के बाद, पहली बात तो यह है
कि सीटों के बंटवारे को लेके क्या होता है, क्योंकि ये मामला जितने जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ही इनके हित में होगा और उतना ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सीटों के बंटवारे पे सीधे सीधे बात कर ली जाए। अंतिम बात, बस एक ही मिनट, अंतिम बात कि इसके बाद जो आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, जैसे यूसीसी का मामला या दूसरी चीजें ध्रुवीकरण, इससे कैसे निपटेंगे लोग, ये बंटवारे तक भी आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपक जी, बातें जो है टिकट के बंटवारे पे भी आएंगी और ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन यूनाइटेड वी स्टैंड, दीपक जी आप कैसे देखते हैं, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी आप कैसे देख रहे हैं, ये जो भीड़ है पीछे देखिए, जमावड़ा पूरा, पूरे देश की मीडिया जो है वो यहाँ पर, सबकी नजरें टिकी हुई हैं बेंगलुरु में और इसी होटल पे, कैसे देखा जाए? जी राजीव जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये केवल राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर नहीं है, संभवतः जी केवल राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर नहीं है, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाह जो है इस बैठक पर जरूर होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से भारत की स्थिति हुई है, एक तरह से निरंकुश सरकार बनी है, इसका भी मैसेज जो है सारी दुनिया में गया है। सारी दुनिया जान रही है कि भारत में एक ऐसे व्यक्ति का इस समय शासन चल रहा है जो हर रोज लगातार और सतत निरंकुश होता जा रहा है। उनके बारे में काफी कुछ रिपोर्ट आई है, बहुत सारे देशों में उनके खिलाफ बातें हुई है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने मोदी के कार्यप्रणाली की जिस तरीके से आलोचना की है, उसके कारण अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस बात पर नजर रखे हुए होगा और वहां के राजनयिक भी नजर रखे हुए होंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार को चुनौती देने वाली एक ताकत, संयुक्त ताकत जो है वो सामने आ रही है। देखिए राजीव जी, जो कहा गया कि यहाँ पर वे सारे लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब में से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका एक बहुत जबरदस्त और सशक्त ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिकता से लड़ने का भी एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या दूसरे बड़े नेता हो, इवन शरद पवार भी, चाहे ठीक है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार को भी बनाया महाराष्ट्र में, लेकिन ये सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार पिछले कई कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो कहा जा रहा था कि मोदी के खिलाफ कौन हो सकता है या उनका विकल्प क्या है, तो विकल्प जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि हम कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं है कि राहुल गांधी और मोदी के क्यों आमने सामने रखकर हम तुलना करें, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कुछ समय से जब सर्वे आ रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं और मोदी जो है वो लगातार अलोकप्रिय हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो राहुल गांधी की भूमिका के बारे में कहा, देखिए राहुल गांधी जो है पिछले लगभग दो दशक से ज्यादा से समय से इस राजनीतिक परिदृश्य पर हैं, बहुत सारी असफलताएं भी उनके खाते में रही शुरुआती दौर में, कई राज्यों में एक के बाद एक जो है असफलताएं मिली, लेकिन राहुल गांधी पिछले दो दशक से लगातार टिके हुए हैं। ये जो एक नई भूमिका उनकी ये है, ये भूमिका राजीव जी उनकी ऐसी है कि अब वो जो है उन्हें न केवल संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करना है बल्कि उसे सत्ता तक पहुंचाना भी है। राहुल गांधी जिस समय जो कुछ कह रहे थे वही अब जो है घोषणा पत्र का आधार तैयार हो जाएगा। इसी के बल पे जो है सैद्धांतिक रूप से अगले आने वाले समय में जब भी विपक्ष लड़ने जा रहा है मोदी से, तो एक संयुक्त घोषणा पत्र जो है वो भी ड्राफ्टिंग समझिए कि उसकी शुरू हो गई है और व्यवहारिक रूप से उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए संपूर्ण विपक्ष जो है वो सड़क पर आएगा। तो ये दोनों ही चीजें जो है इस बैठक की उपलब्धि, ऐसा मुझे लगता है कि ये दो उसकी प्रमुख उपलब्धियां होंगी राजीव जी।